आज के हमारे वीडियो का विषय है क्रिया। तो आज हम क्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया की परिभाषा, क्रिया उन शब्दों को कहा जाता है जिनके द्वारा कार्य का होना या करना पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्रिया के भेद या प्रकार। तो देखते हैं कि क्रिया के प्रकार या भेद। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, नंबर एक सकर्मक क्रिया और नंबर दो अकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं सकर्मक की मतलब क्या होता है। सकर्मक, स माने सहित, कर्म, कर्म सहित। अकर्मक के मतलब होता है माने नहीं, जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक कहते हैं। अब हम परिभाषा को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सकर्मक की परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं कि जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं कि उदाहरणों द्वारा इस चीज को सही तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम वाक्य रचना करते हैं या हम वाक्य में पहचानने की जब बात आती है कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि सकर्मक है कि अकर्मक है। तो हम जब वाक्य बनाते हैं तब हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि हम कैसे इसको पहचाने। तो उसके लिए हम उदाहरणों द्वारा आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा देंगे, ताकि आप भविष्य में आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें आपको दिक्कत न हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि राम क्या होता है, कर्ता। ये राम हमारा कर्ता हो गया। अब हमारा पुस्तक क्या है, कर्म है। पढ़ना हमारा ये क्या हो गया, क्रिया। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जैसे जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, क्रियाएं जो है पढ़ना, रोना, सोना, ये हमारी मूल रूप में धातु कहलाती हैं। तो कभी भी क्रिया का मूल रूप नहीं लिखा जाता है। मूल रूप जैसे पढ़ता है, पढ़ना का मूल रूप क्या हो गया, पठ। तो हम कहीं भी पठ नहीं लिखते हैं, तो हम ना लगा के उसमें उसका सामान्य रूप बना देते हैं। और हम काल के अनुसार जब वाक्य रचना करते हैं तो काल के अनुसार उसको परिवर्तित कर देते हैं, काल के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है। कहीं पे आप देखेंगे कि पढ़ता है, कहीं आप देखेंगे कि पढ़ा था, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है। तो वो सब हम काल के अनुसार उसमें परिवर्तन ले आते हैं। तो देखते हैं कि राम, राम हमारा कर्ता हो गया, ठीक है। अगर हमें कर्म नहीं पता है तो हम कैसे तो निकालेंगे इसमें कर्म है कि नहीं है। जैसे क्रिया हमारी है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है या कर्ता पर पड़ रहा है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो जैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अब जब हमने क्वेश्चन से इसको शुरू किया तब हमारा निकल के आएगा। हमने क्वेश्चन किया कि क्या पढ़ता है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ रहा है, लिखा है कि इसमें पुस्तक पढ़ता है, तो ये पुस्तक हो गई। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा, सीधा पुस्तक पर पड़ा, तो पुस्तक हमारी क्या हो गई, कर्म हो गई। अब हम देख लेंगे कि अगर हमारे क्रिया का सीधा प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। हम इस तरीके से इसको पहचानेंगे। अगला ले लेंगे, बच्चा रोता है। अब हम देखेंगे, बच्चा हमें पता है कि ये कर्ता हो गया,
अवरोता है हमारे क्रिया हो गई। रोना क्रिया होती है तो रोता है क्रिया हो गई। क्या रोता है, कौन रोता है, बच्चा रोता है। तो हमारा किस पर प्रभाव पड़ा, कर्ता पर पड़ा। जब सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो वो हमारी होती है अकर्मक क्रिया। अगर एक, ये तो सिंपल सा हो गया, आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं, ये सिंपल सा हो गया। अगर हम इसको लेते हैं, एक और हम लेते हैं सेंटेंस को, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगर हमने ऐसे लिया इसको, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब हमें इसमें ढूंढना है, देखना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्ता, कर्ता हम निकालेंगे। तो पक्षी हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया। उड़ना हमारी क्रिया होती है, तो उड़ते हैं ये हमारी क्रिया हो गई। अब हम इसको क्या से शुरू करते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो हमारा जब क्या से हमें आंसर क्या मिला है, पक्षी आंसर मिला। पक्षी हमारा क्या है, कर्ता है। तो हमारा क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ा, कर्ता पर पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आकाश में एक क्या चीज है, ये भी है। जैसे आप यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है मैं, आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का कि के अधिकरण में पर। तो हमारा अधिकरण में आया है, मैं यहाँ पर हमारा अधिकरण में आता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ आकाश में ये हमारा क्या हो गया, अधिकरण हो गया। ये हमारा कर्म नहीं है, ये हमारा अधिकरण है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ा है, कर्ता पे पड़ा है, ना कि अधिकरण पे पड़ा है। तो जब कर्ता पे सीधा प्रभाव पड़ता है, वो हमारी क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। इसी तरीके से एक और सेंटेंस आता है, परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि पतंग आकाश में उड़ रही है। सेम इसी तरीके का है, इसमें पतंग क्या हो गई हमारी, कर्ता हो गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अब उड़ रही है, अपूर्ण वर्तमान काल हो गया है, हमारी क्रिया हो गई, ठीक। तो ये हमारी उड़ना क्रिया हो गई। अब हम देखते हैं कि क्या उड़ रही है, किस पर आ रहा है हमारा आंसर, आंसर आ रहा है पतंग पर। तो क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो हमारा किस पर प्रभाव पड़ा, इसका कर्ता पर पड़ा। अब वही चीज है कि यहाँ पे हमारा मे चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि अधिकरण का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अधिकरण में। तो हमारा क्रिया का सीधा प्रभाव किस में पड़ा, कर्ता पर पड़ा। अतः हमारी कौन सी क्रिया होगी, ये अकर्मक क्रिया होगी। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इस टाइप के सेंटेंस जो आते हैं सिंपल से आते हैं, आप निकाल लेंगे कि ये कर्म सकर्मक है या अकर्मक है। लेकिन जब इस टाइप के आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि इसमें हम क्या निकालें। इसीलिए हमने आपको इस टाइप के सेंटेंस बताए हैं, ताकि क्योंकि इसी टाइप के सेंटेंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। तो इसीलिए इनको विशेष रूप से याद रखेंगे। आगे और देखते हैं कि जो हमारी सकर्मक क्रिया होती है उसके भी दो रूप होते हैं, ठीक, या दो प्रकार होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भी, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर एक एक कर्मक क्रिया, और नंबर दो द्विकर्मक क्रिया। ठीक, एक कर्मक क्रिया में क्या होता है, जिसमें
एक कर्म हो, ठीक, जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्म क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक की जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण द्वारा समझ लेंगे इसको हम, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देखेंगे कि राम हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, पढ़ता है ये हमारी क्रिया हो गई और पुस्तक हमारा कर्म हो गया। इसको हम समझ चुके हैं, ये हमें पता हो गया है कि एक कर्म क्रिया में ऐसे होता है, एक कर्म आता है। अगला हम देखेंगे इसकी, ये तो सिंपल सा है, एक कर्म क्रिया समझ लेंगे आप, लेकिन तो एक कर्म क्रिया को हम देखते हैं, जैसे द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हम किसान बैलों को गांव ले जाता है। अब इसमें आप देखेंगे किसान हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कर्ता, जाता है ये हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। तो क्या जाता है, ठीक, क्या ले जाता है, बैलों को, ठीक है, क्या ले जाता है, बैलों को, कहाँ ले जाता है, गांव को, ठीक है। तो बैलों को और गांव, ये हमारे इसमें दो कर्म है। तो क्या ले जाता है, बैलों को ले जाता है, ठीक है, किसको ले जाता है या किसको ले जाता है, क्या किसको ले जाता है, बैलों को ले जाता है, कहाँ ले जाता है, गांव ले जाता है। तो इसमें एक तो गांव और दूसरा बैलों। अगला इस टाइप का सेंटेंस लेते हैं कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। अब देखेंगे इसमें माँ, माँ क्या हो गई हमारी, कर्ता हो गई, पिलाना ये हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। क्या पिलाया, दूध पिलाया, किसको पिलाया, बच्चे को पिलाया। तो हमारा एक कर्म ये हो गया, दूसरा हमारा कर्म ये हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है हमारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारी सकर्मक क्रिया के दो प्रकार हो गए, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इस तरीके से एक और सेंटेंस लेते हैं, मोहन रात में देर से सोता है। अब इसको देख लेंगे, मोहन हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, सोता है ये हमारी क्रिया हो गई। अब रात में देर से ये हमारा क्या हो गया, कौन सोता है, मोहन सोता है, ठीक। तो इसका हमारा क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ा, के कर्ता पर पड़ा, के मोहन पे पड़ा, यानी कि कर्ता पे पड़ा है। जब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो वो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। तो ये हमारी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अधिकरण, हमारा चिन्ह लगा हुआ है अधिकरण का, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। जब हमारा क्या से हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलता है, कर्ता मिलता है। जब आंसर में हमें कर्ता मिलता है, मोहन मिलता है, तो सीधा प्रभाव क्रिया का किस पे पड़ा, कर्ता पे पड़ा। जब कर्ता पे सीधा प्रभाव पड़ा है तो वो क्रिया कौन सी हो गई, हमारी अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक। इतना ध्यान रखेंगे और आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।